नमस्कार मित्रों, मैं विजय शंकर सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, एक आईपीओ आ गया है। इस आईपीओ का पूरे मार्केट को बेसब्री से इंतजार था। जैसा कि मैं पहले भी कई अपनी वीडियो में बता चुका हूं मित्रों, कि कई ऐसे सेगमेंट हैं जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए खुल रहे हैं। उस सेगमेंट में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होने की संभावना है। मोतीलाल ओसवाल के जो सीएमडी है, ज्वाइंट सीएमडी है रामदेव अग्रवाल, उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में ये बता चुके हैं कि अभी कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो खुल रहे हैं निवेश के लिए। उन्हीं सेगमेंट में से एक सेगमेंट है क्रेडिट कार्ड का बिजनेस। जी हाँ मित्रों, भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक द्वारा ओन किया जा रहा है एसबीआई कार्ड का आईपीओ आ गया है। मार्केट बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा था मित्रों। ये जो आईपीओ है 20 जनवरी 2020 को खुलेगा और 22 जनवरी 2020 तक इसमें पैसा लगाया जा सकता है। इसका प्राइस बैंड जो है 615 से लेकर के 618 रुपया है। कुल 24 शेयरों का लॉट साइज है और मिनिमम अमाउंट जो इसमें इन्वेस्टमेंट होगा 14,832 करोड़ का होगा। अलॉटमेंट होगा मित्रों 27 जनवरी 2020 को और जो डीमेट में शेयर्स आएंगे वो 29/1/2020 को और जो लिस्ट होंगे स्टॉक मार्केट में 30 जनवरी 2020 को। मित्रों, स्टेट बैंक का ये क्रेडिट कार्ड है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन उम्दा ये बिजनेस है इसका। और मेरा अपना मानना है मित्रों, हम सभी को प्रयास करने चाहिए इस आईपीओ के लिए। प्रयास करने के अंतर्गत मित्रों, कि आपके पास जितने भी डीमैट अकाउंट होंगे, अपने चाचा का, पिताजी का, भाई का, पत्नी का, जितने भी, सब में अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसकी भी भयंकर सब्सक्रिप्शन होने जा रहा है। बहुत भयंकर सब्सक्रिप्शन होगा जिसमें मिलने की संभावनाएं बहुत कम होगी। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अप्लाई करेंगे उतने ही ज़्यादा मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी मित्रों। इसके बारे में जानते हैं मित्रों, एसबीआई कार्ड जो है, इस कार्ड में इनका जो टोटल हिस्सेदारी है अभी 74% की हिस्सेदारी है ये एसबीआई कार्ड में। एसबीआई कार्ड जो था मित्रों कि 2017 में मित्रों एक करलाइल नामक कंपनी था जिसके साथ इनका ज्वाइंट वेंचर हुआ और करलाइल कंपनी की इसमें 26% हिस्सेदारी है। लेकिन ये जो स्टेक सेल होने जा रहा है, यह एसबीआई अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है। उसकी जो 74% हिस्सेदारी है उसमें से 14% हिस्सेदारी मार्केट में फ्लोट करने जा रही है, जो कुल आईपीओ साइज लगभग 8,000 करोड़ रुपये का। करलाइल कंपनी से पहले मित्रों यह जो हिस्सेदारी थी वो जीई कैपिटल के नाम से थी, जो करलाइल ने उसको खरीदा। आप देखेंगे मित्रों, जो इसके आंकड़े हैं, एसबीआई कार्ड का जो इस साल का प्रॉफिट है मित्रों 92% बढ़कर के 378 करोड़ रुपया हुआ है। जो 92% बढ़ करके 378 से 728 करोड़ रुपया हुआ है और इसका जो आरओई बनती है उस हिसाब से 36% बनती है। यह जो है मित्रों एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के बाद दूसरे नंबर का क्रेडिट कार्ड है। वर्तमान में यह जो है पूरे मार्केट में लगभग 18% क्रेडिट कार्ड एसबीआई कार्ड के हैं, सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक के हैं। एचडीएफसी बैंक के पास जो पिछले 3-4 महीने पहले का जो आंकड़ा है मित्रों, जून के आंकड़ा है, उसके मुताबिक 14 मिलियन यानी 1,40,00,000 क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक के हैं, तो इसका जो है लगभग 1 करोड़ यानी 10 मिलियन क्रेडिट कार्ड एसबीआई के हैं। और आप यदि 2019 को देखना चाहते हैं मित्रों, तो 2019 में इसके 32% कार्ड बढ़े हैं और ये कई तरह के कार्ड देती है और इसका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। आप किसी भी
जगह गए होंगे किसी मॉल में शॉपिंग वगैरह खरीदारी करने के लिए, आप देखे होंगे कि SBI कार्ड के लड़के पीछे पीछे घूमते रहते हैं कार्ड बनाने के लिए। तो बेहतरीन है, यूनिक बिजनेस है और इस बिजनेस को हमें अप्लाई करनी चाहिए। SBI कार्ड मित्रों कई तरह के क्रेडिट कार्ड देती है, आप शॉपिंग के लिए देती है, आप डीजल पेट्रोल भरवाना चाहते हैं तो डीजल पेट्रोल भरवाइए उससे। IRCTC के साथ इनका करार हुआ है कि IRCTC में यदि आप टिकट करते हैं तो वहाँ से भी SBI कार्ड जारी किए जाते हैं। बिग बाज़ार में जाइए तो बिग बाज़ार में कार्ड देते हैं और उन कार्डों पे विभिन्न तरह के ऑफर आते हैं जिसके वजह से बहुत तेज़ी से प्रचलन हो रहा है इसका। आपको एक और जानकर आश्चर्य होगा कि मित्रों वर्तमान जो युवा वर्ग है वो युवा वर्ग जो है क्रेडिट कार्ड का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहा है। उनके आर्थिक समस्याओं का एक बहुत बड़ा केंद्र क्रेडिट कार्ड बना हुआ है। उसका नतीजा है कि हर जो बड़े से बड़े बैंक होते हैं वो क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में जाना चाहते हैं। SBI बहुत बड़ी बैंक है और इसकी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है, तो जैसे जैसे इसका कारोबार बढ़ रहा है SBI सबसे अधिक फायदे में हो रहा है। कार्ड बनाने के लिए इनका अपोलो हॉस्पिटल से, भारत पेट्रोलियम, इतिहाद गेस्ट, फैशन बिग बाज़ार, IRCTC, ओला मनी, yatra.com आदि जैसे बड़ी बड़े कंपनियों के साथ इनका टाइप हुआ है। और इसका देख लेते हैं मित्रों कि और यदि देखना चाहते हैं कि इसका जो ऑफिस है वो नई दिल्ली में है और लगभग इसके जो है 33,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं जो क्रेडिट कार्ड इनके बेचते हैं। कंपनी का यदि आप इनकम देखेंगे मित्रों तो लगभग 45% के CAGR से बढ़ रहा है और यदि प्रॉफिट आप देखेंगे तो प्रॉफिट भी 44% के दर से बढ़ रहा है और इधर जो इनका प्रॉफिट बढ़ा है वो 52% के दर से बढ़ा है इधर 1-1.5 सालों के अंदर अंदर। सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, पूरे वर्ल्ड वाइड इनका प्रेजेंस है, प्रमोटर बहुत बेहतरीन है, SBI जैसा प्रमोटर है, कोई इश्यू नहीं है, उसके पीछे सरकार का सपोर्ट है, डाइवर्सिफाइड इसका बिजनेस है, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। कुल मिलाकर के इस कार्ड को अप्लाई करना ही चाहिए। यदि आप इसका टोटल एसेट देखना चाहते हैं मित्रों तो एसेट भी लगातार बढ़ता रहा है, रेवेन्यू भी कई बेहतरीन है, इसका नाम ही काफ़ी है, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताना नहीं चाहता, बस ये है कि इसको आँख बंद करके अप्लाई करना है। इसके अतिरिक्त मित्रों SBI कार्ड के अतिरिक्त SBI द्वारा अपना एक और IPO लाना है, वो है SBI म्यूचुअल फंड का, वो भी आने वाले कुछ महीनों में फ्लोर पे आ सकता है, तो उस यदि वो IPO आता है तो उसके लिए भी अप्लाई करना है। मित्रों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, यदि कोई जानकारी चाहिए तो जरूर पूछिए। जय हिंद, जय भारत।